हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम सीएपीएफ पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC08 के रिपोर्ट के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। और 20AC08 में जो पहला रिपोर्ट का क्वेश्चन था वो है इंडियाज डिजिटल डिवाइड। एक बार आप फॉर्मेट देख लीजिए, डिजिटल डिवाइड मैंने इसी तरह से लिख दिया है हेडिंग। तो हेडिंग आप रिपोर्ट का क्वेश्चन जो है वही हेडिंग आप रख सकते हो, या आपके पास यदि कोई कैची हेडलाइन है तो वो भी आप दे सकते हो। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको कैप्स में दे दो, या फर्स्ट वर्ड का या जितने भी वर्ड्स हैं उसका फर्स्ट लेटर कैप्स में दे दो। डेट प्लेस ये सब दोगे आप। आप देखिए, प्लेस हमेशा प्लेस आप दिल्ली लिख सकते हो, आपको प्लेस में PQRS लिखना है वो भी लिख सकते हो। दिल्ली आप हमेशा लिखना, कैपिटल है ये, इसके अलावा और कोई प्लेस मत लिखना। यदि कोई इंसिडेंट हुआ है, जैसे ये कोई इंसिडेंट नहीं है, डिजिटल डिवाइड एक तरीके का फिनोमेना है, यदि कोई इंसिडेंट होता है तो वो इंसिडेंट जिस प्लेस में हुआ है उसका आप प्लेस दे सकते हो, अदरवाइज और कोई भी प्लेस नहीं मेंशन करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और डेट की बात है, आप हमेशा एग्जाम डेट दे सकते हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए रिपोर्ट का आप हमेशा एग्जाम डेट दे सकते हो, मगर आप और भी कोई डेट दे सकते हो। जैसे ये डिजिटल डिवाइड है, बहुत जनरल सा टॉपिक है, आप इसमें कोई भी डेट दे सकते हो, ओके। मगर ईयर आप जो अभी का है वो ही दोगे तो बेटर रहेगा। यदि कोई इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट जिस डेट में हुआ है उस डेट के एक मंथ बाद वाला आप डेट दे सकते हो, ठीक है। इंसिडेंट जिस डेट में हुआ उसी डेट में अगर आप मेंशन करोगे तो फिर आपके पास कंटेंट बहुत कम होगा देने के लिए। इसीलिए आप बेटर यही है कि जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बहुत आगे वाला डेट दो, ओके। और एग्जाम डेट वैसे भी आप हमेशा दे सकते हो, और बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, बाय XYZ लिख दो। अपना नाम नहीं लिखना है, अपने पड़ोसी का भी नाम नहीं लिखना है, मतलब किसी का नाम नहीं लिखना है। अब रिपोर्ट के बॉडी का देख लीजिए आप फॉर्मेट, हमेशा आप देखेंगे तीन पैराग्राफ होता है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपका सेकंड पैराग्राफ, और फिर ये आपका थर्ड पैराग्राफ, ओके। अब फर्स्ट पैराग्राफ में आप जो रिपोर्ट क्वेश्चन है उसका व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर करोगे। अब वो डिपेंड करता है, किसी किसी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हु का आंसर नहीं हो सकता है, जैसे डिजिटल डिवाइड में हु का आंसर आप नहीं करोगे, ओके। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर करो, सेकेंड पैराग्राफ में व्हाई, हाउ, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज, सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप सेकेंड पैराग्राफ में दे सकते हो। थर्ड पैराग्राफ में आप एक्सपर्ट का ओपिनियन दे सकते हो। अब देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने डिजिटल डिवाइड का डेफिनेशन दिया है, आप डेफिनेशन या मीनिंग उसी वर्ड का दीजिए जो अनफेमिलियर है। अब ऑनलाइन एजुकेशन का मीनिंग देंगे तो वो तो सभी को पता है क्या होता है, तो वो सही नहीं है। अब डिजिटल डिवाइड बहुत फेमिलियर टर्म नहीं है, इसीलिए इसका मीनिंग आपको देना ज़रूरी है। तो मैंने, आप देखोगे यहाँ पर मैंने मीनिंग दे दिया फर्स्ट लाइन में। अब उसके बाद मैंने लिखा है कि डिवाइड क्यों हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज नहीं होने की वजह से, और इंडिविजुअल की एबिलिटी की वजह से भी डिवाइड होता है, क्योंकि वो सर्विसेज अवेल नहीं कर सकता है ड्यू टू मैनी रीजन, फाइनेंशियल रीजन भी हो सकता है। फिर पर्सन का लोकेशन की वजह से भी डिजिटल डिवाइड होता है, इनकम की वजह से भी, कम इनकम हो, जेंडर, एजुकेशन, लैंग्वेज, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डिजिटल डिवाइड होता है। फिर मैंने यहाँ पे डेटा दिया है, इंटरनेट डेंसिटी जो है 48.4% है, और 66% ऑफ द पॉपुलेशन जो है विलेजेस में रहते हैं, जहाँ पे रूरल की जो इंटरनेट डेंसिटी है वो 25.3% है, और कंपैरिजन करते हैं अर्बन एरिया से तो उसकी डेंसिटी 97.9% है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये मैंने सेकेंड पैराग्राफ में दे दिया, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विलेज काउंसिल में दिया जाएगा, और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2011 से शुरू हुआ था, मगर अभी बहुत अच्छे से अचीवमेंट इसका नहीं हुआ है। फिर लिखा है मैंने, द गवर्नमेंट्स नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक्नॉलेजेस दैट मच मोर एफर्ट इज नीडेड ऑन दिस फ्रंट। फिर उसके बाद मैंने लास्ट पैराग्राफ में, हमें रिएक्शन ओपिनियन देना होता है, अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नहीं देना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इट इज़ अ राइट स्टेप एज डिजिटल टेक्नोलॉजी विल क्रिएट जनरल
greater awareness and independence by unlocking the tremendous potential for efficiency, growth and greater inclusion. अब नेक्स्ट है रिपोर्ट का क्वेश्चन, वाइजैक गैस ट्रेजेडी. तो मैंने एज इट इज ये हेडलाइन दे दिया. आप देखोगे जो इंसिडेंट जहाँ पर हुआ है मैंने उसका उस प्लेस का नाम दे दिया है. आप कभी स्टेट का नाम मत देना, आंध्र प्रदेश हमेशा सिटी का ही नाम दोगे. तो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसी का मैंने नाम दे दिया. तो जिस प्लेस में इंसिडेंट हुआ था मैंने उस प्लेस का नाम दे दिया. और ये जो इंसिडेंट हुआ था वो 7th मई को हुआ था और मैंने दिया है 20th मई. तो जब भी इंसिडेंट होता है उसके कई दिनों बाद का डेट आप दो ताकि कंटेंट आपके पास अवेलेबल रहे. फिर अब मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट व्हेन वेयर हु का आंसर किया है. अब ये कब हुआ था, 7th मई 3rd AM को. अब व्हाट क्या हुआ था, पॉइजनस लीक हुआ था फ्रॉम अ केमिकल प्लांट ओन बाय अ कोरियन कंपनी. क्या हुआ था ये भी बता दिया और किसने किया ये भी बता दिया. हु का भी आंसर हो गया. When all the people all over the world was battling with COVID-19 pandemic, the people living in Vishakhapatnam witnessed a poisonous gas leak from a chemical plant owned by Korean company. कब हुआ था यहाँ पर ये बता दिया. कितने लोग इसमें affected हुए थे, 2 miners were killed and hundreds of others fell sick. अब वो गैस का नाम क्या है वो भी मैंने दे दिया. इसका इफेक्ट, consequences, solution क्या है वो सारा आपको second paragraph में बताना है. The gas spread over 3 kilometers affecting nearby 5 villages. Some people rushed out of their home due to gas spread and even collapsed at their home itself. The Andhra Pradesh High Court has seized the premises of LG polymer plant in Vishakhapatnam and the police have registered criminal case against its management. The CM of Andhra Pradesh announced itna crore each to the kin of the deceased and a compensation package for the sick. The company on the other hand transported the inventory to South Korea to all risk factors. तो मैंने सिंस इतने दिनों बाद वाला डेट दिया है इसकी वजह से ये वाला जो consequences था ये मैं इसमें बता पाई हूँ. मगर यदि 7th मई का ही डेट आप देते तो आप ये वाला लाइन आप नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये 7th मई के बाद हुआ है. ओके अब आपको समझ में आ रहा है क्यों आपको बाद वाला डेट देना चाहिए. उसके बाद इसमें ओपिनियन ये सब लिखना है थर्ड पैराग्राफ में. Preliminary investigations have revealed that the plant was operating without a valid environment clearance for more than 2 decades. Alluding to the 1984 Bhopal gas tragedy, environmentalists said that the Vishakhapatnam incident is a reminder to the authorities not to allow chemical industries near densely populated area. तो इस तरह से ये report 2 है और मैंने आपको इसका discussion कर दिया है इसके answers का. और अगर आपको इसके answers चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको बॉटम की तरफ 20AC08 का लिंक मिलेगा. अगर आंसर्स चाहिए तो 164 वाले लिंक में क्लिक करके आप आंसर ले सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.